ऐसा लग रहा है मेरा सब्जी देखने में, प्लीज भी देख रहा है, ज्यादा तो कोई देखता तो है नहीं, एक दो जन ही देखते हैं वो लोग। सबको धन्यवाद मेरा वीडियो देख देने के लिए। हेलो गाइस, सबसे पहले तो ये दूसरा लोग सावर केक बनाते हैं, हम इसको कुकिंग केक बना रहे हैं। वो क्या है ना, आजकल बहुत बार चल रहा है, पता नहीं क्यों। जहाँ फिर से मेरा एक कुकिंग ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन और ये लोकल हर्ब्स के साथ में, और ये सोना मेरा सोना ऑनियन लहसुन अदरक लिया, सूखा मिर्च और हमारे ये लोकल हर्ब्स है और नगा धनिया। नगा धनिया आजकल इसका स्मेल अच्छा लगता है हमको थोड़ा सा, इसलिए इसको डालते हैं, और डालने के लिए कुछ है ही नहीं ऐसे। और लास्टली ये ब्लैक पेपर, ये लोकल है, एक तो मेरा जेठानी गिफ्ट किया था वो अपना घर से तो के, और इसका स्मेल वाह पूरा नाक ब्लड पूरा नाक वो कर दिया होगा। ठीक है, आप लोग को अगर मेरा वीडियो में बने रहिए और मैं कैसे बनाता हूँ वो भी। हाँ, मैं ये विदाउट ऑयल का बनाने कोशिश करूँगी। मैंने इसमें तेल हम बिल्कुल भी मस्टर्ड ऑयल का यूज़ नहीं करेगा, सीधा इसको मैं कैसे बना के पकाऊँगी वो मेरा पापा पकाया करता था पहले, जब हम लोग अभी भी जब घर जाता है तो पापा वैसा पकड़ के खिलाते हैं, बहुत अच्छा लगता है लोकल हर्ब्स के साथ में। तो आज मैं पापा का रेसिपी ट्राई करूँगी और आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि मैं पापा का ये रेसिपी कैसे बनती है। चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आप लोग प्लीज वीडियो में बनिए रहिए। अगर आपको मेरा कुकिंग बहुत पसंद लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। मीट को बाजार से ऐसे ही गोटा लेके आया, इसको फिर जलाएगा। टाटा, अभी इसको जला लिया मैंने, इसको जला के फिर अभी इसको धो के काटना है। मैंने मीट को काट लिया, अभी टाइम है इस मसाला को पीसने का। तो सबसे पहले मैं मरीच को डाल देती हूँ। ओ माय गॉड, ड्राई मिर्च ना चिकन में बहुत अच्छा होता है। जब भी मीट बनाओ तो आप सूखा मिर्च चाहिए डालिए। एंड लास्ट एंड फाइनल नमक डाल दीजिए, कूट दीजिए। हे गाइस, अभी ये मसाला को भी मैंने पूरा पीस लिया है टक टक करके। और ये मेरा कढ़ाई रो पता नहीं, मैं इतना तेल डाल के बना तो फिर भी पूरा जल जाता है, वैसे इतना गंदा नहीं, फिर भी एक बार धो रहेगा इसको। मैंने इसको धो लिया, देख सकते हैं पानी। और इसको ये चिकन को यहाँ में सीधा डाल देगा, सीध के ये जितना मसाला मैंने पीसा है ना उसको सबको यहाँ डाल दीजिए। ये इसका भी बाद में काम आएगा, आप आगे प्रोसेस में दिखाई देगा। इसके बाद हल्दी के बिना जिंदगी बेरंग है। हल्दी हिंदुस्तान की शान है। और ये प्याज को मैंने काटा है, रखा है इधर, इसको भी मिक्स कर देंगे। और कांदे बिना तेल
इसको ढक दीजिए, ढक के उबालने दीजिए। इसका खुद का मीट से जो पानी होता है ना वो निकलने तक। नाउ एज यू कैन सी अपना खुद का पानी निकल गया। जल बल तो नहीं गई। मैंने ये वीडियो के आगे में बताया था ना, इसको बाद में काम आएगा। तो देखिए ओखरी में जो मसाला पेस्ट बचा हुआ था उसमें मैंने गरम पानी डाल के उसको हल्का से लेके मीट के ऊपर में डाल दिया। और गरम पानी या ठंडा पानी डालने के बाद में हम लोग सब्जी को स्पून से नहीं चलाना है, सीधा ढकना है, नहीं तो उसका जो कच्चा वाला स्मेल होता है ना वो आ जाता है। तो आप इसको उबालने तक ढक के रखिए। क्या है उबल गया तो ये कटा हुआ टमाटर को आप मिक्स कर दीजिए। अभी चिकन तो पक गया है, बस इसको ड्राई करना बाकी है। नमक भी ठीक ठाक ही है, मिर्चा भी ठीक ठाक है, मेरा बच्चा लोग खाने में देखो वाव कैसे लग रहा है मेरे सब्जी देखने में। प्लीज मेरे व्यूअर्स जो जो भी देख रहे हैं, ज़्यादा तो कोई देखता तो है नहीं, एक दो जन ही देखते हैं, वो लोग सबको धन्यवाद मेरा वीडियो देख देने के लिए। और अभी ये पक गया है, नमक भी ठीक है। तो ये नगा धनिया माथा दर्द चक्कर लगने वालों के लिए ख़राब है, क्योंकि ये कलर के लिए बहुत सुंदर है और स्मेल भी अच्छा आता है। नाउ इट्स डन, बन गया है। थोड़ा भी ज़्यादा टूटा फूटा नहीं हुआ है, बस एक ठो बाद है कि झाल हो गया, थोड़ा स्पाइसी हो गया, अभी बच्चा लोग खा नहीं पाएगा शायद। इट्स डन। लुलु आप खा पाएगा? मेरे पापा को बुलाएगा, मेरे पापा को बुलाएगा। हाथी उर लुलु जी का हाथी उर। अब उसको इतना रात को क्यों उसको बैग भूख रहे? क्यों रात को स्कूल नहीं जाते? नहीं मैं तो झूठ बोल रहा था, हम तो गोदाम जा रहा था। ओ गोदाम जा रहा था आप? गोदाम में एबीसी कर रहा था आप? चिराया क्यों? ये पूरा मसाला है, मसाले का। मम्मी बाय। हेलो हम मदी ला ये खाओ। मैं चीनी नहीं खाएगा? नहीं खाएगा। मम्मी खाओ, हम मम्मी एक दिस बूटी बूटी मम्मी का दिखाई दे रहा? दिखाई दे रहा, देखो मम्मी देखो तेरे मुर्गी मुर्गी खा रहे ना। हम सब खाना खा रहा है, हम दूध पी रहे, हम खाना नहीं खा के दूध पी रहे हैं, हम मम्मा खा रहे हैं। ये कुत्ती तो दिल कर रहा है।